सबसे पहले देव के देव महादेव के चरण में प्रणाम करतनी, आदि शक्ति जगदम्बा के चरण में प्रणाम करतनी, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करते, प्रणाम स्वीकार होके धरती बडल धरती माता के प्रणाम करते, सभी देवी देवता के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार होके आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार होके आई दीदी आप लोग के बीच में एगो बहुत अच्छा कथा लेके आई बने, आप लोग सुनी लो। अगर अच्छा लगे कथा तो चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट में हर हर महादेव लिखल मत भूले, हम लोग हर हर महादेव लिखला से आप लोग के सारा दुख परेशानी हमर शिव गुरु महादेव हर ले। तो आई आप लोग के बीच में एगो कथा लेके आई बन, देखी दीदी ये सच्चा घटना बाटे जो आप लोग के बीच में हम सुनाओ तनी बताओ तनी। देखी दीदी एगो गांव में तीन गो पतो रहे लोग, एगो सास के ई कथा बाटे जो आपके सुनाओ तनी। एगो औरत के तीन गो लड़का रहे लोग, तीनों लड़कन के औरत जोन रहली बड़ा संस्कार अच्छा देहली, पढ़ौली लिखौली सब कैली। जब लड़का थोड़ा बड़ होके लागल लो तो उनकर मालिक जोन रहलन मर गेलन। जब उनकर मालिक मर गेलन तो का बोल कि अपने लेकन के देखी दीदी महतारी अपने लेकन के पाल पोस ले, अगर मर्द ना रही तब बोली। बेचारी बहुत गरीब रहली, मजूरी धतूरी कैली, क्योंकि खेत में सोहनी रुपया कर गाय भैंस के छाटी पानी केव के कर केव के घरे चूल्हा चौका कर के लेकन के पढ़ौली, लेकन के बड़ा अच्छा संस्कार देहली, संस्कार देहली अच्छा स्कूल में लेकन के पढ़ौली लिखौली आ बहुत ज्ञानी विद्वान बना देहली। लेकन के अच्छा जगह नौकरी भी लग गई, जब नौकरी लग गई तो सोचे लगली कि अब लेकन के ब्याह शादी करी। आ देखी दीदी वो महादेव के सबसे बड़ा भक्त रहली, महादेव के बड़ा भक्ति कर पूजा पाठ कर शिव चर्चा कब्बो छोड़ा नहीं, डेली के काम रहे शिव चर्चा कैल, तीन गो जन सूत्र हरिंदर भैया देले बानी के पालन बराबर कर, कब्बो एक दिन आगा ना होके पावे, रोज पालन कर। जब लड़का नौकरी पर से आई लोग तो लेकन के बैठा के एक लगे कली बेटा देख हम रही चाहे ना रही तहन लोग जे बड़ बाटे जे छोट बाटे जे उसे छोट बा तीनों जानी अपन मिल मिला के रहिए लो बेटा, बड़ समझिए कि वो छोट जितना बालो भाई दू जानी उ तुहार बेटा समान बालो। आ छोट लेकन के सिखौली कि बड़ भाई के एकदम बापे के जैसे अपन रहिए लो, आ देख केहू उंगली ना उठा पाए बेटा ऐसा काम करिए लो। देखी दीदी हर माई बाप अपने बच्चन के अच्छाई सिखावेला, वो लड़का बड़ा समझदार रहे लो, पढ़ लिख के विद्वान हो गई लो। अब तनी गरीब रहली तो देश विदेश से उनकर जे राजा महाराजा रहे लो वो लोगन के पास पता चलल कि ए गांव में फलाने के तीन गो लैकिनी लड़का बा लोग आ तीनों लड़का बड़ा अच्छा विद्वान बा लोग। जब राजा के पता चलल तो राजा अपने लैकिनी के शादी करे खातिर इनकरे घरे अलन, अलन तो कहना बूढ़ा से कि ए बूढ़ी माता और लड़का लोग नहीं खेलो, तो कहली कि भाई साहब हमार लड़का लोग तो बाल लोग ना ही कोनो बात बका कोनो गलती कैले बा लड़का लोग तो बताई हम समझाई बुझाई ना करी लो ऐसा का बात बा, हमरा बड़ा डर लगा तरह बताई बताई का भइल। कहलन कि देखी कुछ भइल नहीं, गांव के लोग से पता चलल है कि आपके घरे बड़ा तीन गो सुशील लड़का बा लोग पढ़ल लिखल विद्वान बा लोग, हम चाह तनी अपने बेटी के शादी करी। कहली अरे महाराज का बात करतनी, हे टूटई मड़ई में आ अपन राजा के राउर बेटी बा लोग रानी लोग बा लोग ए जा पाइलो रह पाइलो, हे घर में रोरा ब्याह करतनी, ए महाराज में का बा देखनी है रोरा। राजा साहब कहलन कि देखी खाली रुपये पैसा रुपया पैसा ना होला, धनवान लोग ना होला, दिल से भी आदमी धनवान होला। देखी कितनो बड़ा राजा रहे आ ओकरे पास निमन घर द्वार सब कुछ रहे, लेकिन साफ दिल ना रहे तो वो घर के कोनो मतलब नहीं क्यों, जोने घर में किस किस होत रहे वो घर के का मतलब बा। राउर घर सब लोग कहेला बहुत अच्छा राउर बेटा बा लोग, तो हम चाहतनी कि आपके बेटा के साथ अपन बेटी के ब्याह करी। आप मजाक मत समझी, हम सहीन का कहतनी सही में कहतनी आपके लड़का से ब्याह करे कि हम अपन लड़की के रिश्ता लेके आयल बानी। अब जन बूढ़ा रहली कहे लगली कि भाई हमनी के गरीब बानी के ओ में राउर लड़की ना रह पाई,
उकाली के उकालन के पहले रउरा स्वीकार त करी रिश्ता हमार लइकनी रहली हन। फिर नहीं नुकुर नहीं नुकुर करत रहली, सोचा कि मान ल राजा के बेटी है, घर में टूटाई मड़ई में कहाँ रह पैन। कहने देखी आप गरीब रहब, दिल बढ़िया रही न, आ सोच अच्छा रही, ईमानदारी रही, तो कोनो देश विदेश में रह कमा के खिया लेब आ बढ़िया घर द्वार बना लेब। लेकिन जब नियत ना सही रही तो कहाँ से कुछ बने, रुपये पैसा सब थोड़ी ना होला। राजा रहे आ ओके समझदारी ना रहे, सहूलियत ना रहे, तो कोनो राज्य में जाके वो सोचे अपन राजा के हवेली के छू दे तो माटी हो जाए। आ गरीब के पास बढ़िया दिल रही, भगवान के कृपा रही, तो माटी छुई तो सोना हो जाए। कलन की देखी रावर बेटा लोग बहुत अच्छा बालू, आजकल देखते बानी नशेड़ी गजेड़ी लड़का रहता लोग, हम चाहते नहीं रोए बेटे बेटा से अपन बेटी के शादी कर। देखी हाथ जोड़ते नहीं रोरे आगे ई रिश्ता के मंजूर कर ली। कली ठीक बा, का करे बा, अब कहल लोग कि अपन लड़का के बुलावा, उनकर लड़का अलन देखल लोग पसंद भई, बारात लेके गए लोग, ब्याह हो गए दीदी। जब बड़की पतोई घरे आई वो इतना उपद्रव करे जन बड़की पतोई रहे, सबसे बड़न उत्पाती लड़की रहे। जब आई ले जा तो देखी दीदी कुछ दिन लोग निमने रहेला, अब जब देखल तो बुढ़िया के पुण्य प्रताप से धीरे 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 लड़का कमाए लागल लोग, लड़का बढ़िया से कमाए लागल लोग, घर द्वार पूरा बढ़िया, जमीन लिया गल, घर द्वार बन गए। जब घर द्वार बन गए तो जब काम करे के पड़े तो कहे बुढ़िया की, बुढ़िया से कहे कि ए बुढ़ा हम तारे घर में रहन नहीं चाह। बुढ़ा कहली काहे, अतः तारे घर में आग लगे चाहे बजर पड़े हई, रोज सुबेर से लेके साँझ ले खटत तनी, हम नौकरानी भइल बानी, सुबेर से नौकरानी बनैले रहतर, सुबेर से साँझ ले नचावत रहतर, उंगली पर दिन भर काम करत रहतनी, अब हमरा से होई नाही, तू एक काम कर हमरा के हम अलगे कह दह। कहली अरे बेटा ये सब ना कल जाला, लगल झनक पटक करे कोनो काम ना करे, सूती जाओ। तो कहली कि हो सकेला कि अकेले रहती है, एकर मन नहीं खेला गत, मझिला बेटा के ब्याह कह देव, मझिला बेटा के ब्याह कह देव, तो दू गो रहियाँ सहन अपन बनैया सा खैया सहन आराम से। अब मझिला बेटा के शादी के चक्कर में पड़ली, रिश्तेदारी में खबर भेजैली कि तनी मझिला बेटा खातिर तनी लड़कनी जोहल हो। अब जब ओजा लड़की जोहल हो तो वह कोनो राजे के ही बेटी मिल, वह कोनो राजा के लड़कनी रहे। जब मझिली घर में ब्याह हो गई, जब घरे आई पतोई तो कहल जलन दीदी दूसरे के लक्षण दूसरे के बड़ा जल्दी लागेला, तो जन बड़की करे उ मझली कुछ दिन काम कैलस दीदी, ओकरे बाद से कहे जब बड़की दीदी कुछ करते नहीं की तो हम काहे को करी, उ राजा के घर के बाड़ी, हम भिखमंगा के घर के बानी, हम कोनो काम ना करो। अभी हो खटवास मटवास ले लेली, बड़की सूत के उठे 10 बजे, तई उठे मझली उठे 12 बजे। अभी कहली के लागत ढेर काम होता है, ये लोगों से होने की पावत, अब छोटका के ब्याह कर देवे के चाहिए। जब छोटका लड़का के ब्याह हो गई दीदी, जब छोटकी पतोई घर में आई, वो तो सबसे बनल रहे, वो जब आई तो ये दोनों के देखलस तो ओकरो धांध लागे लागल, कहे कि भाई अब हम जब वो नहीं खस कर तो हम काहे के करी। वो 12 लाख रुपया दहेज दे के आई ले दीदी, कहे हम राजा के बेटी 12 लाख रुपया दहेज दे के आई बहन, तो हम काम करी। अब लगली से घर में खिटपिट करे लगली सन। एक दिन का कैलस ससुई सोचलस कि घर में झगड़ा करी हाँ लोग, गांव अगल बगल के लोग सुनी तो कही कि है 4 दिन अले ना भैले नो के चार दिन अले ना भैल पतो ई लोग के देख टांडो मचावे लगली सन। अब बुढ़िया सोचलस कि सब केहू हल्ला करी, अगर दिने में बतियाई तो सब झगड़ा करी। अब का भइल रात भइल सबके घरे, जब लोग सूत गई तो अपने तीनों पतोई के बोलावली, कहली रे बेटी ये बतावा संतानी के कौन दिक्कत बा। बड़की से पूछ लिए बड़को तू बतावा तारा कौन चीज के दिक्कत बा, कौन चीज की कमी बा, बतावा जो हम पूरा नहीं की कह पाओ तो के पूरा करी। देखी दीदी बात यही रहे कि वो राजा महाराजा के घर से रहली सन, खाए के सब कुछ मिलत रहे, बाकी ओकनी के ये रहे कि खाए के सब मिले लेकिन घर में झगड़ा ना होके। अब जौन सास रहली वो चाह कि घर में कलेश ना होके, ये कुल चाह सर रोज झगड़ा होके, काहे से तीनों के तीनों एक नंबर के झगड़ा ही रहली सर, आ घर में झगड़ा होके नहीं।
तो बड़की से पूछे ली कि बड़ कोई बताओ तारा कौन चीज की कमी बा, का दिक्कत बा बताओ, जन ताकि दिक्कत बा बताओ, अगर हम पूरा ना कही तो कह। कली रे बुढ़िया तोरा समझ नहीं के आवत, बड़की कहतिया तोरा समझ नहीं के आवत, सुबह से लेके सांझ ले हम झाड़ू लगाओ तनी हाँ, हम झाड़ू लगाई, हम झाड़ू लगावे खातिर आयल बानी, राजा के बेटी बानी, हम झाड़ू लगाई तोहार। तो कहली अच्छा बेटा तू का चाहत रू, कलस अगर तू चाहत तरू घर में झगड़ा न थो के तो हमार हिस्सा के झाड़ू रोज सबेरे तू लगाई। कहली चल बेटा तोरे हिस्सा के हम झाड़ू रोज लगा दे, लेकिन हमारे घर में कलेश ना करी है बेटी। कलस ठीक बा, जब तू झाड़ू लगा देबू तो हम लड़ाइए ना करब, कोनो झगड़े ना होई। कहली ठीक बा, हम तोहरे आगे हाथ जोड़ तानी बेटी, तू लड़ाई झगड़ा मत करिए, घर में कलेश मत करिए, जौन तू काम करेलू काम हम कर दे। अब मजली से कहली कि रे बेटा ते बताओ तोरा कौन चीज के दिक्कत बा। तो वो कहती है कि तारा ने क्या बुझात, इतना बर्तन दे तर रस रस से सुबेर से लेके सांझ ले सांझ से लेके सुबेरे ले हम बर्तन में घुसत रहे तन, राजा के बेटी बानी हमार नाखून खिया गई, तो ब्यूटी पार्लर ना गईनी तोहरे घर में आके रोज बर्तन घिसवाओ तरू आ। तारा बुझात नहीं के हमरा से इकुल ना होई, अगर तू चाह तरू घर में झगड़ा मत होके कलेश ना होके तो हमार हिस्सा के बर्तन तोके धोए के बा। कली ठीक बा बेटी, इहो काम हम कह दे तो हर हिस्सा के बर्तन धो दे बेटी, हमारे घर में कलेश ना कर लोगन। कलेश ठीक बा, जब बर्तन धो देबू तब कलेश ना कर। अब का भइल कि ओ करियो काम अपने माथे पे ले लेलस। छोटकी से कलेश रे बेटी बताओ तोर तबे चार दिन भइल ला, तोके कौन चीज के कमी हो गई। कहती है 20-12 लाख रुपया देके आइल बनी हम खाना बना के खियाए खातिर तह लोगन के आ, 12 लाख रुपया देले बानी हम, आ 12 लाख रुपया में हम हईकुल ना करब, बैठ के हम खाए, अगर तू चाह तरू के झगड़ा मत होके तो सुबेरे खाना बना दी हा, और तो और इतने ना ही 4 बजे बजत बजत हमारे बिछौना पर चाय लिया के ना दे दहलू तो वही बेरा से तांडव शुरू हो जाए। कहली ठीक बा बेटी, जेगा सब काम कहनी एगो चाय वो तके बना के दे दे, तहन बस तीनों जानी से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता नहीं कि तहन लड़ाई मत करी हलो बेटी आपस में, आ घर में हल्ला मत कर, टोला पड़ोसा के लोग सुनी तो का कही। आ तो ठीक बा, जब तू चाह तरू तो हमनी के हल्ला ना कर ले, सुबेरे अपन उठ के सब करी हम। कहली ठीक बा हम सब करब, तहन हल्ला मत करी हलो। देखी दीदी अपने लैकन के समझौले रही बेटा, दहेज लेके ब्याह ना करी हसन, दहेज लेके तो ब्याह ना कैले रह सर लैका, बाकी छोटकी के घर से ओकर माई बाप खुद दे देले रहे 12 लाख रुपया दहेज, इलो ले ले ना रहे लो, उलो दे देले रहे लो। अब ये घर में तांडव मचावे लागो, छोटकी कहे हम इतना रुपया दे ले बानी, मजली कहे कि हम राजा के बेटी हैं, बड़की कहे हम राजा के बेटी हैं, झाड़ू लगाए, सब जानी के तीनों के काम अपने कपारे पे ले ले हलस बूढ़ा। आ सुबेरे उठ के आ सोचल कि राते रात काम कर दे तो कोनो दिक्कत नहीं खे, के जानता कि सास काम करती है कि पतो ही काम करती है। देखी दीदी जल्दी जल्दी सुबेरे राती रात उठे आ उठ के जल्दी जल्दी झाड़ू लगावे लगल, जब झाड़ू लगावती है तब बड़की घर में से चूड़ी खानकावती है, रे बुढ़िया जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ, बिछौना पर सुतले चूड़ी खानकावती है बड़की, बुढ़िया जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ ला, सबे झाड़ू लगावती है तबले मजली अपन बिछौना पर से पायल छानकावती है कि जल्दी जल्दी बर्तन माज, बुढ़िया बर्तन माजत रहे तबले छोटकी चिल्लाए लागल कि रे बुढ़िया तोरा बुझात नहीं खे, अबे टाइम हो गई चाय बनाए खाती है, बहन चाय ना हमारे बिछौना पाए, अब जल्दी जल्दी बर्तन माज के बेचारी जल्दी जल्दी चाय खौला के ले आके चाय दहलस, चाय दहलस बैठल बैठल साल भर खैली सन दे सब पाप से ओकनी के भर गई। देखी दीदी पाप से ओकनी के तन भारी हो गई, आपस में पागल हो गई सा, आपस में लड़े लगली सन। सास गई लली शिव चर्चा में, शिव चर्चा में से आई तो देखा तरी तो तीनों एन्ने के ओन्ने सामान छितरौले बड़ी सा फेंकले बड़ी सा खूब लड़ाई कर तरी सा। अली तो कहलिए रे बेटी कुल का कैले बड़ा लो तहन वही का फेंकले बड़ा इतना लड़ाई काहे कर तरलो। कहलिए पहले तू ही बताब तू गई कहाँ रहलू हो। वो कहलिए अरे बेटी हम तो शिव चर्चा में गई लनी हूँ। कहले बड़की के मुँहवा से निकल गई महादेव के कृपा दीदी, महादेव के कृपा कहलस कि हम तू जा तरू तो हमरो के लिए अवले चलिए साथ में, कल से हमरो के लिए आके चलिए। मजली कहती है हम चलो,
छोटकी कहती रे बुढ़िया तोरे घर में आग लगे चाहे बजे पड़े छोट बहन तुम छोड़ के जेबी हम तोरे साथे चल। कहली नाई बेटी तुम तीनों जानी चली हलो शिव चर्चा में गई तार कोनो घाटा ना हुई तुम तीनों जानी चलो हो सकेला महादेव के कृपा हो। अब बुढ़िया के छाती दुगुना हो गई सोचे लगलस की राजा की बेटी हो के शिव चर्चा में जाए के कहत तरी सन। अरे जहिया से कुछ ना कुछ तो आज मिलवे करी महादेव के दया बरसवे करी। वो गई देखी दीदी आगे आगे सुबेर भइल सब काम हम कह दिलस बुढ़िया आगे आगे बुढ़िया जाती है पीछे पीछे तीनों पत्तो घूंघट काट के चला जाता रही सन। अब गांव के लोग देखा था कि मार ई तो जाते बड़ी पीछे पीछे तीनों पत्तो ये जाता रही सन। तो कहती है कहता लोग ये फलाना बाबू हयो लोग पतोयो लोग के लिए ले जाता रू आ तो हाँ आज बहुत खुशी के बाद बाकी राजा महाराजा के घर के हमार पतो शिव चर्चा में जाता रही सन। अब गई लोग तक समझाते जात रही कि ए बेटी देख घर में बैठला से अच्छा हो जा बाहर में नचबू गईबू तो लोग ये ना कही कि नचनिया बड़ी सन लेकिन भगवान के दरबार में नचबू तक केहू नचनिया ना कही। अब तीनों गैली सब बैठ गई सन तो बुढ़िया से बुढ़िया चरा पसार के मांग लग कि हे महादेव आज रौरे चरण में आयल बानी कुछ बुद्धि ज्ञान दे दे हमारे तीनों पतोयन के। तीनों पतोय के कुछ बुद्धि ज्ञान दे दे हे महादेव रौरे चरण में आयल बानी रौरा चाहब ते एक मिनट में पूरा संसार पलट दे ते एक मिनट में हमारे पतोय कुल के बुद्धि के पलट दे महादेव रौरे चरण में आयल बानी। अब का भइल कि गांव लोग गांव के लोग कहे लागल कि ए फलाना बाबू की अम्मा आज रौरा शिव चर्चा करी आज शिव चर्चा रौरा करी ऐसा कोनो शिव चर्चा सुनाई जन मन मोह लेवे तो कहली काहे ना सुनाए शिव चर्चो सुनाए नचबो करब गईबो करब पतोइयो कुल से नचवाए गवाए पतोई बैठली से घूंघट काढ़ काढ़ के आ बुढ़िया के तो सीना चौड़ा भइल तो कहे लोग अरे हमार पतोई राजा महाराजा के घर से शिव चर्चा करे आयल बड़ी सन जानलू तो गाँव के लोग कहे हाँ हाँ सही बात बारा और पतोई लोग के आज ने हमनी के मुँह नहीं खींचा देख लो आ तो कहाँ से देखब लो हमार पतोई ऐसा पतोई केहू के गाँव में उतरल नहीं खे जब इतना बात सुनली सन तो तीनों पतोई सोचल से बताव अपने सास के हम ऐसा कहनी लेकिन हमार सास जौन बाड़ी हमारा आज ले कबो बाहर बुराई नहीं की कैले आज ले हमार सास बुराई नहीं की कैले बाहर हमार सास नहीं हमार सास तक गंगा बड़ी। अब इतना बात कनी के मन में महादेव के कृपा से बैठल तब ले बूढ़ा से कहलो शिव चर्चा सुनाओ कहली काहे ना सुनाए अब बुढ़िया शिव चर्चा सुनाई लगली तो शिव चर्चा सुनाओ तरी तो एगो भजन गौली कह तरी चारी बजे भोरवा सासु झाड़ू लगावे हो पलंग में चारी बजे भोरवा सासु झाड़ू लगावे हो पलंग में बहुआ चूड़िया बजावे हो पलंग बहुआ चूड़ी खाना कावे हो पलंग अब बड़की के मन में हो गए दुख दुखी कहती आई बाप ये तो सासु हमारे खाती गाओ तरी अरे दादा हो दादा इतना लोग के बीच में अगर हमार सास हमार पोल खोल दे तब तो हम कहीं मुंह देखावे लायक ना रहो तले तो मजरी कहती अरे बाप एक अरे बस अब हमारे बारी बा अब हवड़ा तबड़ा मचे लगल मजली कहती अब तो एक बस हमारे बारी बाटे तले तो फिर सास कहतरी चारी बजे भोरवा सासु बड़ा तन खंगारे हो पलंग चारी बजे भोरवा सासु बड़ा तन खंगारे हो पलंग बहुआ पायल छाना कावे हो पलंग बहुआ पायल खाना कावे हो पलंग बहुआ छागल बहजावे हो पलंग अब छोटकी थर 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 कांपतिया कहती अरे बाप हो बाप सबसे बड़वन था पाप हम कैले बनी खाना तो बनवेबे कहनी चार बजे उठ के चाय मंगवा के पियनी कितना पाप हम कहनी अब हम ये दुनिया में केंगा रह मुँह केंगा दिखाई भेजा हमार सास कहिए तो लेकिन जो सास रहे बड़ा समझदार रहे फिर सास कहत अड़ी चारी बजे भोरवा सासु खाना बनावे हो पलंग
चारी बजे भोरवा सासू खानावा बनावे हो पलंगावे पर बहुआ चाय के आर्डर देली हो पलंगावे पर बहुआ चाय के आर्डर देली हो पलंगावे पर। अब तो सब तीनों पतोई के बारे में कह देली, चर्चा कह देली। अब तीनों पतोई लजा गईली सब, लजा गईली सब। बड़की पतोई कहती, अरे मजली, अरे छोटकी सुन हमार बात, हमार बात सुन, चले कि हमनी के घरे आ चल के घरे, हमार सास गंगा बाड़ी, हमनी के जानत ना रहनी के बताओ। इतना समाज में इतना चर्चा कैलस बुढ़िया, लेकिन हमनी के तनिको बुराई नहीं की कैली। गाँव के लोग कितना हमनी के बड़ाई करता, हमनी के सास ना हमनी के महतारी बाड़ी। चलो हमनी के तीनों जानी चल के जितना पाप कैले बानी के बूढ़ा के, सब खाना उना बना के मांस धो के बूढ़ा के इंतजार कर ले। अब तीनों घरे चल गईली सब, शिव चर्चा में बैठल बड़ी, शिव चर्चा खत्म नहीं के भाई। उठ के गईली सन, मांस धो के खाना उना बना के इंतजार करते सकी, अब सास माँ यहाँ तक खाना दे। जब ऐसा से गईली दया मांग के, तो जो तरी तो अरे रहू पतो तो चल गई। अब ऐली घरे, घरे ऐली तो कह तरी कि देख तरी तो एगो गोड़ दबावती है, एगो खाना देती है, एगो झाड़ू लगावती है। अब इनकर जौन तीनों पतो तीनों काम में लग गई, से छाती चौड़ा हो गई कि महादेव के दया बरस गई तीनों पर। यही से कहते दीदी, हे महादेव, जैसे वो तीनों पतोहन पे दया कैनी, वैसे पूरा संसार पे सबके बहु बेटी पे दया करी महादेव, सब पे दया करी, सबके पीछे हमरे पे भी दया करी महादेव, दया करी। बोली हर हर महादेव, संभवे गुरुवे नमः। धन्यवाद।